बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैं आपको समास का एक याद रखने के लिए, हमेशा से कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, एक माइंड मैप की तरह बनाकर संक्षिप्त सा मैंने आपको परिचय दिया था, जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, आप उसको ध्यान से देखें। तो सारे समास का वर्णन यहाँ है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। और सबको मैं समझाते हुए आपको कुछ कुछ उदाहरण देते हुए ये मैंने संक्षेप में पूरा माइंड मैप बनाया था कि आपके दिमाग में उभर जाए। और द्वंद समास तक मैं आपको करा चुकी थी, आज मैं आपको बहुव्रीहि और अव्ययीभाव समास समझा करके फिर मैं तत्पुरुष समास के भेदों का एक माइंड मैप बनाऊंगी। तो बहुव्रीहि समास का तात्पर्य होता है कि वह समास जिस समास का न तो पूर्व पद प्रधान होता है, न तो उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि उससे निकलने वाला अर्थ प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास का न तो पूर्व पद प्रधान होता है, न तो उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि उससे निकलने वाला जो अर्थ होता है वो प्रधान होता है। जैसे कि दस हैं आनंद जिसके, और इसके विग्रह करने का एक तरीका होता है, निश्चित वाक्यांश में ही ये विग्रह किया जाता है। शब्द है अगर दशानन शब्द है तो दस हैं आनंद जिसके, अर्थात दशानन। फिर उसके बाद है शब्द है एक दंत, एक दांत है जिसके, अर्थात गणेश। तो यहाँ पर जो न इसका पूर्व पद प्रधान है न उत्तर, जो ये तीसरा अर्थ निकल रहा है ये अर्थ प्रधान है, अर्थ प्रधान है। एक दंत यानी कि एक दांत है जिसके, अर्थात गणेश। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो न पूर्व पद प्रधान हुआ न उत्तर पद, बल्कि उससे निकलने वाला अर्थ प्रधान है। तो जो तृतीय पद अर्थ के रूप में निकल रहा, अर्थात वही बहुव्रीहि समास समझने के लिए आपको जरूरी है। अब प्रायः देवी देवताओं का जो नाम होता है उसमें बहुव्रीहि समास मिलता है, तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर जो एक दो उदाहरण से, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको समझा रही हूं। अब बहुव्रीहि समास के बाद आ गया अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास का पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है जो व्यय न किया जा सके, अर्थात जिसे हम व्यय नहीं कर सकते। व्याकरण के नियम के अनुसार व्यय का तात्पर्य होता है खर्च, व्यय को कहते हैं खर्च। लेकिन व्याकरण में खर्च का मतलब होता है जिसे तोड़ मरोड़ कर कहीं और ना जोड़ा जा सके। लिंग वचन और कारक के अनुसार जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम कहते हैं अव्यय। अव्यय लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जाता उसमें। तो अव्ययीभाव समास का जो पूर्व पद होता है वो अव्यय होता है। ये देखिए पूर्व पद अव्यय है, यथाशक्ति। अब इसका अच्छा अव्ययीभाव समास में जो वाक्यांश विग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है वो हमेशा अलग अलग होता है। जैसे यथा है तो लिखते हैं के अनुसार, प्रतिदिन तो हर लग गया, अनुरूप रूप के अनुसार, तो अलग अलग शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना होगा। शब्द है प्रत्येक यानी हर एक, तो ऐसे भी देखा जाए तो अव्ययीभाव समास का जो पूर्व पद है वो अव्यय होता है, और द्वितीय पद यानी पश्चात पद यानी उत्तर पद जो होता है वो पूर्व पद के अनुसार अपना स्वरूप बदल देता है, अर्थ बदल देता है। तो ये आपका हो गया समास का जो भेद हम आपको पढ़ा रहे थे उसको मैंने यहाँ कंप्लीट किया है। अब आज मैं आपको मुख्य समास के बाद ये तत्पुरुष समास के जो भेद हैं
वो मैंने इसमें नहीं बताया था, वो मैं अब बताऊंगी, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी जगह नहीं है इस पे लिखने के लिए। तो मैंने सोचा कि पहले पूरे समास बता के मैं तत्पुरुष समास का भेद बताती हूँ। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको रब करके तत्पुरुष समास का को समझाती हूँ। तो मैं इसे बता रही हूँ, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो समास आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, पढ़ते समय आपको ये लगेगा ही कि हमको सब समझ में आ गया है, लेकिन बिना अभ्यास के अगर आप चाहेंगे तो इसको नहीं कर पाएंगे। आपको हर हालत में कुछ सन वाले पेपर, प्रतिदिन 5 शब्द समास विग्रह के करते रहेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको तत्पुरुष समास के भेद बताऊंगी, जिसके लिए मैं यहाँ पर सिर्फ तत्पुरुष लिख रही हूं। तत्पुरुष समास के भेद। अब देखिए, तत्पुरुष समास पहले क्या है वो समझा दूं। तत्पुरुष समास का मतलब हुआ कि वह समास जिसके पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से कारक चिन्हों का लोप रहता है, यानी दोनों के मध्य से कारक चिन्ह आपके जो रहते हैं छिपे रहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कारक चिन्ह क्या है। तो कारक चिन्ह है जो वाक्यों को शब्दों, वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उनको जोड़ करके भाव अभिव्यक्ति में सहायक होते हैं, यानी जिन्हें हम परसर्ग चिन्ह, जिन्हें हम विभक्ति चिन्ह आदि भी कह सकते हैं। अगर हम उसमें से कारक चिन्ह हटा देंगे तो वो शब्द जो है अपना अर्थ खो देगा। तो तत्पुरुष समास को समझने के पहले आपको कारक समझ लेना आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं संक्षेप में कि कारक 8 प्रकार होते हैं, कि 8 प्रकार होते हैं। मैं इसको समझाने के लिए इसको समझा रही हूं, इसको आप याद रखेंगे आसानी से समझेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, यहां मैं अलगाव लिख दे रही हूं, यानी यहां का से जो है वो अलगाव वाली है, यहां का जुड़ाव के लिए है। अधिकरण में पर कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध का की संबोधन हे ओ आरे। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ कारक बताए। अब ये कारक हैं, उनके चिन्ह हैं, ये कारक हैं और उनके चिन्ह हैं। अब आपको तत्पुरुष समास का भेद समझने के लिए आप ये मान के चलिए कि इन 8 प्रकार के कारकों में से संबोधन कारक का इसमें कोई योगदान नहीं है, ठीक है, और ऊपर से कर्ता मैं मिटा दे रही हूं। अब ये बचे आपके 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गए। यही 6 कारक जो हैं तत्पुरुष के भेदों के नाम से चलते हैं, इन्हीं के नाम से चलता है। इसमें एक और जुड़ जाता है, नए तत्पुरुष, यानी कि कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि
छह कारक और एक नए तत्पुरुष को लेकर तत्पुरुष समास के कुल कितने भेद हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 7 भेद हो गए। ये हो गया आपका कर्म तत्पुरुष। फिर करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष आपको दिखाई देगा, अन्यथा मेरी मेहनत बेकार होगी। मुझे लग रहा आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर देती हूँ। उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष, फिर अपादान तत्पुरुष, मैं पूरा नहीं लिख रही हूं आपके समझ के लिए, फिर संबंध तत्पुरुष और फिर नए तत्पुरुष। तो ये आपके तत्पुरुष के ये भेद हो गए, तत्पुरुष समास के ये भेद हो गए। अब मैं इनको एक एक करके आपको समझाऊंगी और इनके उदाहरण लिखूंगी। अब कर्म तत्पुरुष का मतलब हो गया कि अगर कर्म कारक है तो उसका चिन्ह जो है वो को है। इसकी परिभाषा बिल्कुल इसी के आधार पर निकलती जाएगी कि जिस समास, जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह को का लोप रहता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इतना आप ध्यान दीजिएगा। फिर मैं इसके उदाहरण भी लिखना शुरू करती हूँ। एक दो दो तो कर्म तत्पुरुष का उदाहरण लिखती हूँ। उदाहरण है परलोक गमन, परलोक गमन यानी परलोक को गया हुआ। एक उदाहरण और लिखती हूँ, यश प्राप्त मरणासन। ये तीन शब्द मैंने लिखे हैं यानी परलोक गमन, परलोक को गमन, यश प्राप्त, यश को प्राप्त और फिर है मरणासन, मृत्यु के करीब या मृत्यु के को प्राप्त। तो मृत्यु को प्राप्त का मृत्यु को पहुंचा हुआ कर देते हैं इसको, तो आपको यहां से दिखाई दे मृत्यु को पहुंचा मतलब जो मृत्यु के करीब आ गया हो उसके लिए मरणासन शब्द है। यश प्राप्त का हो जाएगा यश को प्राप्त, परलोक गमन का हो जाएगा परलोक को गमन। तो ऐसे आप समझ में आ जाएगा आपको। फिर उसके बाद आ गया करण तत्पुरुष। अब करण कारक का चिन्ह क्या है? से, यानी इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी कि जिस तत्पुरुष समास के पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह से का लोप रहता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब चिन्ह से का लोप रहता है तो मैं एक दो उदाहरण लिखती हूँ इसमें। चिन्ह से के उदाहरण लिखिए, आप लिखिए तुलसीकृत,
तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा रचित, तुलसी कृत रेखांकित, रेखांकित रेखा से अंकित। फिर एक शब्द और लिख देती हूं, जगह को देख के मैं काम कर रही हूं, रोग ग्रस्त, रोग से ग्रस्त यानी यहां पर पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से ये चिन्ह से का लोप है, तो मैंने तीन शब्द लिख दिए हैं यहां पर, तुलसीकृत और रेखांकित रोगग्रस्त। तो इसका आप विग्रह करके देखिए, एक करण तत्पुरुष होगा। संप्रदान तत्पुरुष की बात अगर करते हैं तो संप्रदान तत्पुरुष का मतलब होता है पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह के लिए, चिन्ह के लिए का लोप रहता है, चिन्ह के लिए का लोप रहता है, तो यहां पर वहां पर ये संप्रदान तत्पुरुष होगा। मैं एक दो उदाहरण लिखती हूं, जैसे सत्याग्रह, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह। फिर प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। एक शब्द और लिखती हूं, राह खर्च, राह के लिए खर्च, तो हो जाएगा ये आपका संप्रदान तत्पुरुष। अब अपादान की बारी है, अपादान तत्पुरुष का मतलब यहां चिन्ह तो से ही होता है, मगर यहां पर कारक चिन्ह जो से है उसका मतलब यह होता है कि अलगाव, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, छत से बच्चा गिरा आदि, ऐसे जो शब्द होते हैं उन शब्दों में अपादान तत्पुरुष होता है, यानी इसमें अलगाव दिखाया जाता है। तो यहाँ पर भी यही परिभाषा इसकी होगी, जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह से अलगाव लुप्त रहता है, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा। उदाहरण लिखिए, अपादान तत्पुरुष। अब इसमें उदाहरण लिख देते हैं एक दो आपके लिए, भयभीत, भयभीत भय से भीत यानी भय से डरा, धनहीन, धन से हीन। एक दो शब्द है, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। फिर इसके बाद आपका आ गया अधिकरण तत्पुरुष। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर इसके लिख रही हूं कि लिखने की जगह बनी रहे, अधिकरण। इसका आप उदाहरण देते हैं, अधिकरण तत्पुरुष में चिन्ह क्या है, मे और पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह मे और पर का लोप रहता है, मे और पर का लोप रहता है, वहां पर अधिकरण तत्पुरुष होगा। तो उदाहरण मैं लिखती हूं बोर्ड पर आपको समझाने के लिए, तो उदाहरण है वनवास, इसका विग्रह क्या होगा, वन में वास। एक और शब्द लिखती हूं, आप बीती,
आप बीती, यानी आप पर बीती। एक और शब्द लिखती हूं, जलमग्न, जलमग्न यानी जल में मग्न। तो इसमें देखिए मे और पर का उपयोग है, यानी पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह में और पर जो लुप्त रहता है वो यहां दिखाया जा रहा। वन वास, वन में वास। आप भी थे, आप पर भी थे। जलमग्न, जल में मग्न। तो ये आपका शब्द मैंने आपको समझाया, तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष है। तो इसके बाद आ गया संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष मैं थोड़ा सा जगह मिटा के बना के लिख देती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा जगह बनाना पड़ रहा मुझे इसके लिए। आ गया उसके बाद संबंध तत्पुरुष। अब संबंध तत्पुरुष का, संबंध का चिन्ह है का, की, के, यानी पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य से चिन्ह का, की, के जहां लोप रहता है उसे हम कहते हैं संबंध तत्पुरुष। मैं उदाहरण लिखती हूं एक तो इस पर, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। अमृतधारा, अमृत धारा, अमृत की धारा। सेनानायक, सेनानायक, सेना का नायक। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो संबंध तत्पुरुष में आते हैं। संबंध तत्पुरुष में ये प्रयोग किए जाते हैं जिनसे संबंध कारक चिन्ह प्रकट हो रहा है, तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये संबंध तत्पुरुष। अब हमारा बचा रह गया नए तत्पुरुष। एक नए तत्पुरुष रह गया है जिसको कि मैं थोड़ा किनारे इधर से, एक आपका नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष का जो पूर्व पद होता है इसमें पूर्व पद नकारात्मक, पूर्व पद नकारात्मक होता है, यानी इसका जो पूर्व पद होता है वो हमेशा निगेटिव सेंस को लेकर होता है, यानी इसका पूर्व पद जो है वो निगेटिव भाव को लेके है। जहां कहीं भी पूर्व पद निगेटिव सेंस देने लगेगा वहां पर नए तत्पुरुष होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि नए तत्पुरुष का पूर्व पद निगेटिव होता है। इतने से ही आप समझ में आ जाएगा कि नए तत्पुरुष है। तो नए तत्पुरुष का मैं उदाहरण एक आध लिखती हूँ, जैसे जैसे शब्द है अन्याय। अब इसका विग्रह क्या करेंगे, न न्याय, न न्याय। अब ये न जो है निगेटिव हो गया, निगेटिव सेंस को वाला है पद, तो इसको हम कहेंगे न न्याय। अजर, न जर, जर का मतलब होता है बुढ़ापा। अमर, न मर। तो इस तरीके से देखा जाए तो नए तत्पुरुष का जो पूर्व पद है वो क्या होता है, हमेशा निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। मुझे लग रहा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मुझे लग रहा इसको और ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा और थोड़ा सा इसको मैं रब कर देती हूँ, इसकी तो जरूरत है नहीं, तो मेरे लिखने के लिए आसान हो जाएगा, थोड़ी जगह बन जाएगी, तो मैं इसको बल्कि बगल में लिख देती हूँ।
अब नए तत्पुरुष में पूर्व पद नकारात्मक होता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण अन्याय, विग्रह होगा न न्याय। फिर अमर न मर, अजर न जर, जर का मतलब बुढ़ापा। तो ऐसे जितना भी पद मैंने इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया कि आपको दिखाई दे रहा होगा, अन्याय अमर अजर, जिससे कि आपको ये समझ में आ जा रहा होगा कि इसके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, या इनमें जो पूर्व पद होता है वो नकारात्मक होता है कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि नए तत्पुरुष और अव्ययी भाव समास का जो शब्द होता है उसमें विद्यार्थियों को बहुत संशय हो जाता है कि ये नए तत्पुरुष है या अव्ययी भाव है। मैं उदाहरण देकर समझाना चाहूंगी अपनी बात को, आप ध्यान से सुनिए कि शब्द है आमरण। एक शब्द मैं यहां लिखती हूं आमरण। आमरण शब्द जो है यहां आ लिख करके जब नकारात्मक नेगेटिव सेंस वाला होता है तो लोगों को लगता है मृत्यु नहीं। इस शब्द का अगर विग्रह करना हो तो इसको नए तत्पुरुष की तरह लोग समझ जाते हैं और करते हैं, जबकि ये अव्ययी भाव समास है और इस शब्द का मतलब होता है मृत्यु तक। अब ये नहीं है कि जहां कहीं आएगा वो पहला पद उसका निगेटिव ही होगा। तो अव्ययी भाव को लेकर के और नए तत्पुरुष को लेकर बहुत बार कंफ्यूजन होता है। तो मैंने आपको समास का एक माइंड मैप बनाया जो मैंने दो वीडियो में हिस्से में डिवाइड किया, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाता, एक घंटे का वीडियो किसी के लिए देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रेक करके देखिए, पहले दिन का देख करके आप उसको दोहराइए, फिर आप दूसरे दिन का देखिए, तो उससे क्या होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले दिन आपने सारे भेदों को पढ़ लिया, फिर आप तत्पुरुष समास के भेदों को जान लिए, इसके बाद आप सारे को पढ़ लीजिए। तो पूरे माइंड मैप में मैंने ये सारी चीजें दिखाई हैं कि कैसे उसके एक एक दो दो उदाहरण दिए हैं, और साथ ही साथ आपको याद करने के लिए आसान हो जाएगा। आप भी चाहिए तो अपने कॉपी पर ऐसे ही एक बना लीजिए और सबके याद कर करके एक एक दो दो उदाहरण उसमें जोड़ते जाइए। देखिए पल भर में आपको समास याद करने में कठिनाई नहीं होगी और पल भर में वो तैयार हो जाएगा। तो इसलिए एक संक्षेप में करके मैंने इसका माइंड मैप बनाने की कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए, याद हो जाए। और अभ्यास के बिना तो कोई चीज कभी आती नहीं है, ये तो आप कितना भी कहिए आपको अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। समास ये जान लीजिए कि अगर समास विग्रह करने को आता है तो आप समास विग्रह के साथ उसका नाम अवश्य दें। तो कुल मिलाकर के आपको समास तत्पुरुष समास जानने के लिए कारक चिन्हों को जानना आवश्यक है। अगर आपके पास कोई पुस्तक है तो आप कारक चिन्ह पढ़ लीजिए, तो कारक चिन्ह अगर पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से वो याद हो जाएगा। वैसे भी अगर आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा था, इसको दो तीन बार अगर आप पढ़ लेंगे तो ये याद हो जाएगा। तो एक बार हल्का सा मैं इसको फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि तत्पुरुष समास के कुल 7 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और नए तत्पुरुष। तो नंबरिंग कर देती हूँ तो आसान लगेगा मुझे लगता है कि आपको समझने में। 1, 2, 3,
चार पांच छः और सात। तो देखिए आपको याद हो जाएगा आसानी से, मैंने इसको नंबरिंग कर दिया तो ये सातों आपका हो जाएगा आसानी से याद कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी कॉपी पर भी एक माइंड मैप ऐसे बनाइए और वो आपको आसानी से याद हो जाएगा एक मिनट के अंदर। और सबके एक एक दो दो उदाहरण लिख लीजिए। तो ये पूरा चित्र जो है आपको समास की पल भर में समास का पूरी चीजें बिना याद किए आसानी से ध्यान में आ जाएगा। और एक चित्र के आकार में बनाने पर कोई भी चीजें जो होती हैं दिमाग में भर जाएंगी अच्छे से, तो अच्छी तरीके से आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। तो मुझे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समास का दोनों वीडियो पसंद आएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।